वृंदावन धाम की जय, परिक्रमा मार्ग की जय। जय जय श्री राधे श्याम, सबको मिले श्री वृंदावन धाम। यहाँ देखो आनंद ही आनंद बट रहा है भैया। जय जय श्री राधे। हाँ हाँ, क्या ठंडा मौसम हो गया, मजा आ रहा है। चलो यहाँ से निकलो। छोटे हाइट का ये भी एक फायदा है, कहीं से भी निकल जाओ। हाँ, गोविंदम। और प्रभु जी प्रभुपाद ना पूरे मंदिर की परिक्रमा लगाएंगे धमाल कीर्तन के साथ में, और महाराज के भी दर्शन हो गए हमें। यही तो एक फायदा है कि सारे शुद्ध वैष्णव के दर्शन हमें ना यही हो जाते बड़े आसानी से। तो अब मैं चल रहा हूँ, श्रील प्रभुपाद जी के दर्शन करेंगे। हाँ, आनंद आ जाता है भाई। हरे कृष्ण प्रभु जी, कैसे हैं? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हाँ तो कौन बोल रहा था भक्ति बड़ी बोरिंग है। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये हमारे भैया हैं, इनकर इच्छा है कि हम बनाए एक ब्लॉग, स्पेशल ब्लॉग बनाए जिनमें हम सिर्फ भोजपुरी बोली। हम बजे, हाँ हम बजे भोजपुरी बोलब। और भैया उड़ता आकाश बाटा ठीक ठाक। हाँ तो एक ब्लॉग ऐसा बने बहुत जल्दी जिनमें हम से सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी बोलत जाओ, ठीक है? मान रहे अगर तो पब्लिक पहले पूछ ले भाई। हाँ, जब तो निक लागे कि न लागे वो कमेंट बॉक्स में बताए दे जाए, तब बने भोजपुरी ब्लॉग। तो अगर सबको ठीक लागे तो भोजपुरी ब्लॉग बने एक ही। अरे हमें बड़ा मेहनत बाटे, हमें खुद ही याद करे पड़े क्या बोले क्या कहा। अपने आप निकल जाए निकल जाए। चला एक दिन भोजपुरी में ब्लॉग। तो मैंने ले लिया मेरे गिरिराज जी के लिए फूल, और अब चलते हैं घर की तरफ। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने, अशेष क्लेश नाशाय परमानंद दायिने। बोल गिरिराज धरण की जय, कार्तिक मास की जय, दामोदर लीला की जय। जय जय श्री राधे श्याम, सबको मिले श्री वृंदावन धाम। मॉरिशस से जो प्रभु जी आए हैं जो खो गए थे, तो उनके लिए अभी हमने क्या किया है कि एक उनका प्रिंट करके हमने न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में न्यूज़पेपर में कटिंग्स वगैरह डाल रहे हैं और सब कर रहे हैं। तो मेरे तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ, और मैं आप लोग से कहूँगा कि हम सब लोग प्रे करें प्रभु जी के लिए, क्योंकि 27 तारीख से खोए हुए हैं और आज 2 तारीख हो गया और अभी तक प्रभु जी मिले नहीं है। तो हम देख रहे हैं, अभी मैं थोड़ी देर में निकलूंगा, जाऊँगा ब्रज के अलग अलग जगह पे स्कूटी से। तो उनके बेटे को भी मैंने फ़ोन कर दिया, वो आ रहे हैं। लेट्स सी। अरे क्या पटाखे फोड़ रहे, क्या पागल है? सवेरे हमारे भाईकरा हमें मिले, कहन की भोजपुरी में ब्लॉग बनवा। भाईकरा बड़ा खुश हो गया हमारे ऊपर। गरहन राधा दामोदर मंदिर, राधा दामोदर मंदिर से इतना बड़ा चीज लेके आई है कि अगर आप सब देखी, देखा था अभी बैगे में 6 करोड़ कैश आए। अब 6 करोड़ का हुआ है, मैं थोड़ी देर में आप सबको दिखावत आई भाई। सोचे की धोती कुर्ता वाले के पास इतना पैसा कहाँ से आवा था। अमेरिका से मंगा ले ठीक, पर यहाँ से अमेरिका ना भेजे। भैया बहुत जबरदस्त चीज भेजे हैं। अब मैं थोड़ी 2000 का मैंने कुल 2000 का है, 1000 500 वाली हरियर की 500 के नोट भेजे हैं। तो अब मैं आप सबको दिखावा था। तो ये देखो, ये है करोड़ों से बढ़ के, इसको पहले साइड में, और ये पूरे डिब्बे में महाप्रसाद फुल पनीर साइड में रखते हैं। वाह, फ्रूट सलाद पूरा भरा, दूध प्रसाद। तो ये देखो भैया, यहाँ देखो, यही था हमारा करोड़ों वाला चीज। तो यहाँ देखो, ऑफिस के बाद हमारे सारे फंटर बच्चे, चलो हरी बोल, बोलना है हैप्पी बर्थडे समंत भैया। कौन की मम्मी कौन है? सीधा खड़ा दौरंगा, पहले खड़ा है, घूम जाए बार बार। हैप्पी बर्थडे सुमंत भैया, समोसा खिलाइए, समोसा
लो बेटा किसको किसको मिल गया गौरंगा, हाथ उठाओ, हाथ उठा के दिखाओ समोसा, अरे सॉरी सॉरी समोसा हाथ पे मिल रहा है ना अभी। हरी बोल, आ गया जा। जो प्रभु जी मॉरिशस से आए थे वो खो गए हैं, तो उनको ढूंढने के लिए अभी हम आए हैं अपना रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में। अब सीन क्या है पता है, अब जो प्रभु जी के जो बच्चे हैं उनको आती है इंग्लिश और मुझे आती नहीं इंग्लिश। अब मैं उनसे कन्वर्सेशन कैसे करूं, मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा है। बट स्टिल ट्राई करते, देखते राधा रानी क्या कृपा करती है। आए तो है अभी हॉस्पिटल में और फिगर आउट करते हैं। अभी जस्ट हम पहुंचे हैं इमरजेंसी में और इमरजेंसी में पता करते हैं अगर उनकी तबीयत खराब हुई होगी कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ हुआ रहेगा, तो देखते हैं क्या होता है। हो कृष्णा जल्दी मिल जाए। तब मैं ना पहली बार ऐसे, मतलब काफ़ी दिनों के बाद मैं ऐसे हॉस्पिटल वगैरह में आया हूँ और देख के ना एकदम से ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया बीमार ही। अब हमें जाना है 53 रूम नंबर में, सिस्टर इंचार्ज से मिलने जा रहे हैं। तो अभी हम प्रभु जी का पूरा डिटेल्स ढूंढ रहे हैं हॉस्पिटल में जाके। शारदा ब्लॉग, अलग अलग तो ब्लॉग है यहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा। हाँ ये कुछ बता सकती है शायद। तो ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता सीधा परिक्रमा मार्ग लेके जाता है। तो अभी हमें किसी से संदेश मिली है कि पानी गाँव में शायद मिल सकते हैं। इस रास्ते से ये ब्रज का एक अलग ही स्थान है। हम चाहते हैं सारे लोग प्रे करें कि जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ क्लू मिले। तो अभी हम निकल चुके हैं पानी घाट के तरफ, सॉरी जगन्नाथ घाट की तरफ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बाबा जी लोग प्रसाद लेते हैं ना, तो शायद एक चांसेस ये होगी प्रसादम के पास आए हों और वहाँ पे हम थोड़ा बोल सके समझ सके। ये प्रभु जी के बेटे हैं, अब प्रभु जी को सिर्फ इंग्लिश आती है। अब हम यहाँ पे दो चार लोगों से पूछेंगे, विल शो द पिक्चर्स। प्रभु जी, ये प्रभु जी आपको कहीं दिखे? हम तो निकलने दिखता है। हाँ चलने दिखता है। अच्छा, आपने यहाँ पे किन्हीं को ऐसा देखा होगा बाबा, कोई एकदम नया व्यक्ति आए हो आपको ऐसा, ये खो गए हैं 2-3 दिनों से, कुछ आइडिया कहीं से थोड़ा बहुत नजर ऐसा लगे? सुदामा कुटी चले जाइए, वहाँ पे पता कर लीजिए। सुदामा कुटी में ज्यादा दूर नहीं है, पास ही में। पास में ये, वो तो मुझे पता है। हाँ, तो वहाँ पे जाकर पता कर लीजिए, नहीं तो शाम को अगर कोई भी जाता है ना, सारे लोग ना वही पहुँच। ठीक है, सो आई थिंक वी शुड गो। बेचारे वहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, हम ना पूरा परिक्रमा मार्ग पर ढूंढ डाले हैं। यार मैं अभी सोच रहा हूँ मेरे को अंग्रेजी क्यों नहीं आती, थोड़ी तो आनी चाहिए ताकि मैं इनसे कम्युनिकेट तो कर पाता। और ट्राई करते हैं, देखते हैं राधा रानी क्या चाहती है। प्रभु लेट्स गो, शो दैट पिक्चर दैट बाबा जी। 8:30 बजे भंडारा होता है ना सुदामा कुटी पे, तो शायद गौरी गोपाल में या तो या प्रसाद पाने के लिए। व्हाट यू शो द पिक्चर टू हिम? गौरी गोपाल में तो रुकने के लिए भी आज में रहते हैं और रुकते रहती है। अच्छा, तो रात के दिन सारे बाबा जी लोग यहीं पे दिख जाते हैं क्या, या ज्यादा लोग यहीं पे आ जाते हैं सब? नहीं, पर भागे नहीं है वो, ऐसे ही गायब हो गए। ठीक है, गायब हुए तो भूख का थोड़ा सा मेंटल का वो तो लगता होगा ना, खाने के बाद उसी जगह पे रहे ना, तभी तो मिलेंगे। 8:30 बजे होता है प्रसाद वहाँ पे, और गौरी गोपाल में भी मिलता है वहाँ पे, हमसे ज्यादा देख लो प्रसाद पाल। So we will try to come at 8:30 in evening. Yes. So he is telling there is some prasadam. So we have to come. We can have Jawa City Vosage to come here. Yes. So, I'm coming. No, not right now. Yeah, what's the time? Because you are still at the world. It's 5. Yeah. No, let them find there and we will try here. Okay. Show him. Ranga! Paisa ho gaye. Wo hare rang ka jacket pehna. सुदामा कुटी में शायद, हाँ सुदामा कुटी में टकराया था, खाना पीना किसी है, या फिर गौरी गोपाल में टकरा सब जगह प्रयास कर रहे हैं। हाँ, जहाँ पे भंडारा होते हुए थे। हाँ तो उसमें चेक करोगे तो उसके जरिए आपको नॉलेज कुछ मिल सकता है कुछ ना। हाँ चलो ठीक है, बता दिए अपने। ये जो मॉरिशस है, विदेश में एक जगह है, वहाँ से हैं। तो ये आए थे सब 26-27 तारीख को शाम को बाहर निकले थे और दिमाग का थोड़ा सा वो था, तो उनको रास्ता लेफ्ट लेने के लिए बदले राइट ले लिए। अब वो रास्ता इधर उधर हो गए, अब उनको शायद याद नहीं आ रहा होगा, कहीं बैठे होंगे, भूल गए होंगे, उनको याद है तो वृंदावन में ही कहीं ना कहीं, गौरी गोपाल वाले आश्रम में या तो फिर यहाँ पे। हम हाँ कल दबे सवेरे तो हम आ जाएंगे, बनाते हैं ना, 3-4 जगह। आपको वीडियो दिखा सकता है, पिछला वीडियो थाना वाला जानकारी हो, अभी यहाँ पे भी आ गए। हाँ
वो गाड़ी आएगी, माधवास की तो मुझे पता है, माधवास की गाड़ी तो आती है, अभी आएगी वो तो उससे जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। बाबा जी लोग तो मैक्सिमम तो पहचानते ही है मुझे, क्योंकि प्रसाद पहले बांटने में ही आता था। आपको तो जानते हैं, हाँ आप मुझे समझ गया, जितने बाबा जी लोग है वो सब मुझे जानते रहेंगे, जो नए वो नहीं जानते रहेंगे। मोबाइल भी नहीं है इनके पास, मोबाइल लोग वही तो दिमाग को है ना। अब यही है कि एक बार बाबा जी लोग आवाज है तो एक बार उनको दिखा दे, तो उनके नजर में क्यों सब जगह घूमते रहते हैं ना, सब पूरे ब्रजमंडल में घूमते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं से कुछ तो क्लू मिल जावे। चलो देखते हैं, अभी जाते हैं सुदामा कुटीर में देखते हैं एक बार, और बाकी शाम को 8:30 बजे फिर, नहीं तो कल सवेरे, 4-5 दिन हो गए, यही होंगे यही होंगे। हाँ पर एकदम अब माइंड भूल गए होगा, दोस्ती यारी लगा लिए होंगे। चलो ट्राई करते हैं। ये प्रभु जी को देखे कहीं? अरे ये तो अपने वो है यार, कौन है? अमित बाबा के डॉक्टर साहब। नहीं वो नहीं है, नहीं वो नहीं है, तो हम नहीं देते, कहीं भी देखना एक बार नजर ध्यान, एक हिसाब से बता दीजिए, हमारे हिसाब में हमारा जो प्रसाद बांटते ना। हाँ 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 आप तो पहचान ही गए, मिलने दो, हम तो जरूर कोशिश करेंगे, प्रयास करो देखो थोड़ा। कल तो मैं पूरा पर्चा बटवा दूंगा परिक्रमा मार्ग पे। हाँ हाँ सीधा फोन तो है ना, फोन कर लियो मेरे को, फोन कर लियो मेरे को, हाँ बस फोन कर लेना मुझे। अरे आप भूल गए मेरे को, मैं याद हूँ आपको, आप मुझे भूल गए, आप प्रसाद पाते थे वहाँ पे, मैं आपको प्रसाद लाके वहाँ देता था, अभी आप थोड़ा सा उसको, अभी माहौल गर्म है इसके लिए। हाँ तो अभी फिलहाल हम ना जा रहे हैं यमुना के पास, यमुना के पास हमें बोट वाले से थोड़ा पूछेंगे कि भाई कहाँ पे प्रभु जी को कहीं कुछ कोई देखा हो, या क्योंकि हो सकता है बोट के पास आए हों, कहीं ना कहीं तो आए ही होंगे। तो अभी हम पहुँच गए यमुना के, हमारे नाव वाले प्रभु जी बोट में तो जाना है, एक छोटी सी काम है, कर दोगे तो बड़ी मजा आ जाएगी। ये प्रभु जी को देखे क्या? ये कहीं पे देखेंगे तो बताएंगे, अभी तो नहीं नजर पड़े, कल या परसों एक दीदी भी आई थी, बोल रहे थे फोटो लगा ले वहाँ पे। हाँ हाँ तो कैसे कुछ कहाँ हो भाई तुम? तुम तो ऐसा कैसे नहीं आता? अरे मैं ध्यान नहीं दिया रहूंगा। अरे सुनो यार, ये प्रभु जी खो गए, कैसे मिलेंगे तुम? हाँ ये इनको ढूंढना है, कैसे मिलेंगे? ये तो अभी यहाँ खाना खा रहे थी। कहाँ पे? ये मेरे यहाँ पे कोने पे लड़ुआ माधे पे, मैं वहीं से आया हूँ। ये वहाँ पे थे, अभी खाना ही खा रहे हैं, जैसे आरती हो रही ना बड़े वाले, उसके बगल में देखता हूँ। जैसे क्या बात कर रहे हैं अभी तुरंत इन्हीं को खाना खा रहे हैं। He is eating prasad that place। चील घाट है ना उसके थोड़ा आगे, ब्रह्मन घाट है उसके पहले, जो जाओ आप, ये खाना खा रहे थे अभी से, हम मैं उतर के आया हूँ चील यहाँ से, अपना भ्रमर घाट से। हाँ ये ब्रह्मन घाट से। He is telling he is eating prasad at भ्रमर घाट। अरे ठीक से बोला, जब तो मैं इनको पहचान लो, एक बार में इनको नहीं पहचान पाऊंगा। पक्का बता रहा हूँ, अभी खाना खा रहे थे। स्कूटी ऐसी हो रही है ना बड़ी वाली, हाँ आरती घाट है जो उसके पास। मैं अपनी स्कूटी यहीं पर रखा हूँ, मैं वहाँ पे देख के आता हूँ। हाँ जी क्या हो, आ जाओ प्रभु। अब देखते हैं भैया, किसी ने बोला है कि यहाँ पे है, तो हम भाग के जा रहे हैं राधा रानी, देखते हैं क्या होता है। He is telling he is eating prasad this side. हाँ, I'll go this side, you go this side. यमुना के पास देखो लगा दिया है कि कोई भी इसके आगे ना जाए, वरना डूबने का चांसेस ज्यादा है। हाँ कृष्णा थक गया हूँ, चलो भागो। ये तो देखना भी, भाई कहाँ पे यमुना आरती हो रही है। यार जिनके परिवार का खोता है ना, उन्हें को पता चलता है। प्रयास कर रहे हैं कि देखते हैं कहाँ। एक्चुअली ना थोड़ा सा समझना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वही पर्सन है या नहीं है। हे यमुना महारानी, हे महादेव, वो प्रभु जी जल्दी से मिल जाएं। यहाँ पे प्रसाद बट रहा है। प्रभु जी देखा क्या वो? प्रभु डू वन थिंग, व्हाट्स हिज नेम? माधव प्रभु, डू वन थिंग, यू जस्ट गो देयर फ्रॉम दैट भ्रमर घाट एंड सर्च हियर, सर्च दैट प्लेस एंड कम टू हियर, कम हियर, ओके?
तब तक हम यमुना महारानी से प्रार्थना करते हैं। जय हो यमुना महारानी। तो अभी हम यमुना महारानी के पास हैं, पर यमुना महारानी से हम प्रार्थना करते हैं कि वो प्रभु जी मिल जाए। हम कहाँ कहाँ से भाग भाग के आए हैं, बस सब यमुना महारानी हमारी आशा है। राधे भैया, राधे राधे प्रभु जी। अरे सुनो, ये प्रभु जी को देखा क्या किधर? ये फोटो देख लो इनको, थोड़ा नजर में रखना, ये भेज रहा हूँ मैं, ठीक है? ये नजर में रखो, ये प्रभु जी खो गए, ठीक है? थोड़ा ध्यान रखो। अरे प्रभु जी मिल जाए बस यार, हम कहाँ से भाग भाग के कहाँ तक पहुँच आ गए, पूरा हम ढूंढ डाले हैं। सबसे ज्यादा ये लग रहा है कि उनके बच्चे इतने परेशान हैं, बच्चों को भाषा, तो भाषा सबसे बड़ा चीज है, बट फिर भी बेचारे इतना मेहनत कर रहे हैं। हम तो जितना अपने बस में हो पा रहा है भाई, उतना अपन कर ले रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु, जय हो यमुना महारानी। यहाँ पे भी एक गुमशुदा की तलाश का पोस्टर लगा है, नारायण भुए, ये भी बेचारे खो गए। देखा कहीं इन्हें? आप भी तो नहीं खोए हो? नहीं, हम क्यों खोएंगे? नहीं, मेरे को ऐसा अकेला लग रहा, घूम रहे हो, मुझे लगा कहीं खो हो गए होगे। हम काम करते हैं हमारा। अच्छा, तब ठीक है यार। मुझे लगा अरे मेरे को लगा अकेला आदमी है, मैं भी खो ही गया हूँ यार इस भौतिक जगत में, कृष्णा को छोड़ के खोया ही हूँ यहाँ पे। जय हो प्यारी प्यारी यमुना महारानी। तो यमुना महारानी इतनी प्यारी लग रही है ना, और इतने दिया यहाँ पे लोगों ने छोड़ा है, यहाँ से प्रभु जी छोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से पूरा दिया निकलते हुए जा रहा है। एंड प्रभु जी के बच्चे हैं, उसका बेचारे का भी तबीयत खराब है। हाँ कृष्णा यार, अब फिर हम यहाँ से निकल रहे हैं, फिर हम जाएंगे वो साइड, फिर हम देखते हैं कहाँ पे जाएंगे। ओ भाई साहब, मैं तो अब सीधा घर ही जाऊँगा, तब जाओ। सो प्रभु, वॉट वी विल डू टुमारो आफ्टरनून, वी विल गो टू सुदामा कुटी एंड विल फाइंड आउट। डू वन थिंग, कीप वन हिंदी पर्सन विथ यू, बिकॉज आई डोंट नो इंग्लिश एंड यू लिटिल बिट नो हिंदी, सो कीप वन हिंदी पर्सन विथ मी, सो दैट इट विल बी इजी फॉर मी टू एट लीस्ट कन्वर्ट, सो दैट आई कैन स्पीक, यू नो, बिकॉज मुझे भी उतना आता नहीं, और यू डोंट नो टुमारो आई हैव गिवन मोर देन 2500 दैट पैम्पलेट, आई विल गेट पैम्पलेट एंड वी विल डिस्ट्रीब्यूट इन ऑल ओवर परिक्रमा मार्ग इन डिफरेंट डिफरेंट आश्रम। तो यहाँ पे देखो, अब हम आ गए हैं, रिटर्न जा रहे हैं, हमें प्रभु जी दिखे नहीं, तो हम किसी घाट पे आ गए। यहाँ पे राधा रानी थोड़ी कृपा कर दें, यमुना महारानी थोड़ी कृपा कर दें, बजरंगबली बाबा जी थोड़ी कृपा कर दो यार, मेहनत तो लगती है। और अभी जस्ट मैं आपको चीज बताता हूँ, एक लड़के को देखा, एकदम यंग लड़का खड़े हो गए, फुल चिलम मार रहा है तेल लेने जाए। जय हो यमुना मैया की जय। चलो चलो चलो, बस सच में यहाँ देखो, राधे मैया राधे, बस वो प्रभु जी मिल जाए ना, बस राधे राधे मैया राधे। खो गया हरे श्री वृंदावन में, हाय मेरा दिल खो गया। जय हो यमुना महारानी। यमुना महारानी के दर्शन कर लिए, तो अब हम निकल रहे हैं घर पे, नहीं घर पे नहीं जाएंगे, एक दो जगह और पता करते हैं, और इसके बाद हम ना निकलेंगे, जाएंगे दीपदान करेंगे, और मैं मेरे गिरिराज जी से प्रार्थना करता हूँ, और आप लोग भगवान से प्रार्थना करो प्रभु जी मिल जाए। तो हम लोग बहुत ही पुराने नरसिंह भगवान जी के मंदिर आए हैं। जय हो, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दाइने, राधे राधे प्रभु, जय नरसिंहा श्री नरसिंहा, जय जय श्री नरसिंहा, प्रहलादे श्री जय पद्म मुख प्रद्म बिंद, जय नरसिंह भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय। तो आज नरोत्तम दास ठाकुर जी का डिसअपीयरेंस डे है, तो हमने सोचा क्यों ना समाधि मंदिर के दर्शन कर लें और प्रार्थना भी करें। जय हो नरोत्तम दास ठाकुर की जय। तो आज यहाँ पे बैठ के सब जप कर रहे हैं, जय हो नरोत्तम दास ठाकुर की जय।
नरोत्तम दास ठाकुर जी की सिर्फ एकमात्र इच्छा थी कि वो लोकनाथ गोस्वामी जी से दीक्षा लें। तो लोकनाथ महाराज जो थे, लोकनाथ गोस्वामी जी, वो ना दीक्षा नहीं लेते थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर क्या करते थे, जहाँ पे भी लोकनाथ गोस्वामी मल त्याग करते थे, वो उसको जाकर रोज साफ करते थे। उसे बहुत दिन तक पता नहीं चला कि ये कौन करता था। एक दिन जब उन्हें पता चला कि ये नरोत्तम दास ठाकुर करते हैं, तब जाके पूरे उनके लाइफ उसमें जर्नी में हम पाएंगे कि सिर्फ नरोत्तम दास ठाकुर ही लोकनाथ गोस्वामी जी के एकमात्र डिसाइपल हैं। तो ये बहुत ऐसे बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। धीरे धीरे मैं आप लोग को ब्लॉग में और सारी चीज़ें बताते रहूँगा। यहाँ पे कथा हो रहा है। मैं टीका लाना भूल गया हूँ यार। इसमें देखो दूरबीन में, अरे दूरबीन में बहुत मस्त दिख रहा है, लगता है दूरबीन खरीदना पड़ेगा। ओ वाओ, अरे वाह क्या सुंदर दिख रहा है। लगता है दूरबीन खरीदना पड़ेगा। तो क्या और हमें मिला प्रसाद। अब हम चले, हम सब जगह पे प्रणाम ऑफर करते हुए चल रहे हैं उड़ता का सब्सक्राइबर के लिए। आप लोग जितने भी लोग हो, 2,500 जो रोज ब्लॉग देखते हो, मैं उनके लिए स्पेशल प्रार्थना करता हूँ। सच बता रहा हूँ मैं आप लोग को, एकदम दिल से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान ये 2,500 लोग जितने भी लोग रोज ब्लॉग देखते हैं ना, उनके ऊपर बहुत कृपा करो। मैं जिनको जानता हूँ जिनको नहीं भी जानता हूँ, सबके ऊपर आप बहुत कृपा करो। तो अभी जस्ट पहुँचे हैं दीपदान के लिए। सबसे पहले दिया ऑफर करेंगे, फिर गिरिराज जी को दिया ऑफर करेंगे। चलो। नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम बकुले ब्रजमानम जय। क्या सुंदर लग रहा है भैया। चलो भैया चलो, चलते रहो, रुको नहीं। प्रभुपाद को प्रणाम करेंगे हम सबसे पहले, उसके बाद हम चलेंगे भैया। जय प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। प्रभुपाद के दर्शन हो गए, अब हम पहले दिया ऑफर करेंगे। रुदंतं मुहुर् नेत्र युग्म मृजंतं करांबोज युग्मेन सांतक नेत्रम। वाओ, मंदिर में आने के बाद तो फील आ जाता है। चलो पहले दिया ले लेते, आगे से लेंगे क्योंकि इतने यहाँ पास से दिया ले लेंगे वो बुझने की नौबत जल्दी आ जाती है। यहाँ से लेंगे, हरे कृष्ण हरे। चलो चलो, पहले दिया ऑफर कर लेता हूँ। जय हो दामोदर भगवान की जय, हरे कृष्णा। जय हो दामोदर लीला की जय, हरि बोल। जय गोपाल की जय। जस्ट अभी घर पे पहुंचा हूँ, 3-4 घंटे तक, तो शाम के 4 बजे से लेके अभी बज रहे हैं 8:30, पूरा एकदम थक के चकाचूर हो चुका हूँ। जस्ट मैं यहाँ पे ना एक चीज बताना चाहूंगा सभी लोगों को कि ये जो फैमिली के जो लोग प्रभु जी खो गए हैं, इनको कमी किस चीज की हो रही पता है? ग्राउंड लेवल पे कोई नहीं है हेल्प करने वाला, और ये बेचारे लोग को आती है इंग्लिश भी नहीं आती। मॉरिशियस की जो एक अलग ही लैंग्वेज है, जूवीस पूवीस पता नहीं क्या सी लैंग्वेज है, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रही है बेचारे क्या बोल रहे हैं। अब वो टूटी फूटी हिंदी बोल रहे हैं, मुझे तो खुद ही पल्ले नहीं पड़ रहा। अब वो दूसरे को कैसे कन्विंस करेंगे, कैसे बताएंगे कि ये व्यक्ति खो गया है, फला व्यक्ति ऐसा 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 ऐसा। और जाहिर सी बात है जब हम इतने हिंदी भाषा बोलते हैं तो हिंदी वाले उतना अच्छे से रिप्लाई नहीं देते, इंग्लिश और अलग लैंग्वेज बोलेंगे तो कौन देगा। तो कोई ग्राउंड लेवल पे नहीं है हमें ये, मतलब मैं चाहूंगा कि अगर सच में कोई ग्राउंड लेवल पे हेल्प करना चाहे प्रभु जी लोग को, तो अगर वही ब्रज का बैठ के अगर ये वीडियो देख रहा है तो ग्राउंड लेवल पे हेल्प करो। सोशल मीडिया पे हेल्प हो चुकी क्योंकि सोशल मीडिया पे फोटो सर्कुलेट हो चुका है, ग्राउंड लेवल पे चाहिए क्योंकि प्रभु जी का माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब है ना, तो वो इधर उधर कहीं तो पड़े होंगे जगह पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे अगर कोई व्यक्ति आ जाए, देखो मेरे प्रयास में जितना मेरे बस में है मैं कर रहा हूँ। मतलब मैं ये कर सकता था कि मैं ऑफिस से छुटा, घर पे बैग रखा और मैं सीधा निकल गया। 4-5 घंटे मैं पूरा जहाँ जहाँ भाग सका भागा, कल फिर से भागूंगा, जब तक मेरे से बन पड़ेगा मैं भागता रहूंगा। मैं इतना कर सकता हूँ डिवोटीज के लिए, क्यों?
क्योंकि ब्रज में हूँ और आप सबकी सेवा करने के लिए ही यहाँ पे हूँ। और ब्रज में रहने का उद्देश्य ये है कि मैं भक्तों की सेवा कर पाऊँ और इसी प्रकार से मैं भक्तों की सेवा कर पा रहा हूँ, तो गुरु महाराज की कृपा है। तो बस इतना ही बोलूंगा कि लाइक अगर कोई है अगर कोई हेल्प के लिए सामने से आ सके, परिवार वालों को हेल्प कर सके, उनका नंबर ऑलरेडी दिया है तो बहुत अच्छा होगा। तो आज के लिए ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मैं गिरिराज जी को दिया ऑफर कर लेता हूँ और हम सारे लोग राधा दामोदर से प्रार्थना करेंगे, गिरिराज महाराज से प्रार्थना करेंगे कि परिवार के मिल जाए, क्योंकि मैं अभी गया था उनके घर पे, उनके माता से भी मिला, पिता माता जी से मिला, उनके बच्चों से भी मिला। आप सोचो आपके घर में आपके पिताजी हैं और वो बाहर जाएं, खाना पीना खा के आप लोग का हो रहा है, घर के बाहर जाएं और वो रिटर्न ना है, सोचो आपके ऊपर क्या गुजरेगी। और यही हमारे देश का एक बड़ा हमारे सब हम सबका यही है, जब तक हम पे नहीं गुजरती तब तक हमें ना दूसरों का दर्द पता नहीं चलता। वैष्णव का एक क्वालिटी ये भी होना चाहिए, वैष्णव वो हो सकता है दूसरे के दुख में वो दुखी हो, तो हमें ऐसा लगता है कि हम सारे डिवोटीज को जितने भी इस्कॉन वृंदावन है, इतने सारे हम सब डिवोटीज हैं, डिवोटीज इतने सारे लोग हैं ना, थोड़ी तो आओ ग्राउंड लेवल पे जाके ढूंढने में थोड़ी तो हेल्प करो। गिनके उनके पास पांच व्यक्ति हैं जिनमें से चार लोग को वो भाषा आती है, एक पांचवा मैं था और एक व्यक्ति कोई और है, छह ऐसे कुछ लोग हैं। आई होप भविष्य में कोई कल परसों तक में कोई ऐसा आ जाए। और दूसरा सबसे बड़ा एक चीज होगा कि भगवान कृपा करे तभी कुछ हो पाएगा। और मुझे तो बड़ा स्कोप सा बड़ा सा लग रहा है भाई, पता नहीं क्या होगा। बस ये मेरी दिल की बात थी जो कि मैंने शेयर कर दी, क्योंकि वीडियो पे तो भाई हम एटलीस्ट कुछ तो बोल ही सकते अपने मन का। बस इतना ही, हरे कृष्ण, कल मिलते हैं नई वीडियो में।